So guys, let us understand the psychology behind support and resistance. क्यों ऐसा कहा जाता है कि जो पूरा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है वो बेस्ड है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर. चलिए देखते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर. सपोर्ट बेसिकली होता है डिमांड जोन. डिमांड जोन का मतलब क्या है? जहां पे एक चीज की बहुत ज्यादा डिमांड होती है, लोग उस चीज को खरीदना चाहते हैं. और रेजिस्टेंस क्या होता है? वो होता है एक सप्लाई जोन. सप्लाई जोन का मतलब क्या हो गया? ऐसा एरिया जहां पे लोग उस चीज को खरीदना नहीं चाहते हैं, जबकि जिन लोगों ने खरीदा है वो उस चीज को बेचना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल, ये है रिलायंस का एक डेमोंस्ट्रेशन पर्पस के लिए फिगर चार्ट. यहां पे अगर आप देखोगे, अज्यूम करो ये है 2000 का प्राइस, ये है 2500 का प्राइस, और प्राइस अभी यहां ट्रेड कर रहा है. अज्यूम करते हैं आप मार्केट के अंदर यहां पे एंटर कर रहे हो जब प्राइस यहां पे ट्रेड कर रही है, तो आपको चार्ट के ऊपर क्या दिख रहा है कि यार 2000 का जो भाव है ना, यहां से प्राइस ऊपर गया था. अब मुझे एक बात बताइए, प्राइस को ऊपर कौन लेके जाता है? ऑब्वियसली बायर्स, राइट? बायर्स ही प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे. और अगर यहां से प्राइस ऊपर गया, मतलब इस लेवल के ऊपर बायर ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए प्राइस ऊपर गया है. एंड सेम यहां पे अगर आप जब प्राइस को देखते हो, तो आपको क्या समझ में आ रहा है? यहां से तो प्राइस नीचे गिरा, इसका मतलब इस लेवल के ऊपर